Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. Therapeutic ultrasound related बहुत सारे videos मेरे channel में आपने already देखे ही होंगे. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about the dosimetry of therapeutic ultrasound. मतलब ऐसे कौन से factors है जो dosage को determine करते हैं. तो पहली बात है, आपको size of the area को अपने consideration में लेना होगा. दूसरा, आपको ये समझना होगा कि depth of lesion कितना है. superficial lesion हो तो आप 3 megahertz यूज़ करेंगे, डीप लीशन हो तो आप 1 megahertz यूज़ करेंगे. और नेचर ऑफ लीशन कैसा है, मतलब क्रॉनिक है या एक्यूट है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और प्रीवियस वीडियो से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अल्ट्रासाउंड के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान आपको ध्यान रखना होता है इन पैरामीटर्स का, मोड, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. तो अब बात करते हैं कि आपको डोसेज अक्यूट कंडीशन में कितना देना चाहिए. इनिशियली आपको डोसेज लो ही रखना चाहिए. 0.25 से 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डोसेज आप दे सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए. और ट्रीटमेंट हमेशा आप अप्लाई कीजिए पल्स्ड मोड में, ताकि हीटिंग इफेक्ट ना हो और कोई सिम्टम्स की बढ़ोतरी ना हो. अगर कंडीशन इम्प्रूव हो गया तो प्रोग्रेशन ना करें डोसेज की, इसी डोज को आप रिपीट कर सकते हैं. अगर कंडीशन इम्प्रूव ना हो तो डोसेज को थोड़ा सा इंक्रीज करें टिल 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप टाइम ऑफ इंसोनेशन को बढ़ा सकते हैं. मतलब डोसेज आप 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही रखें, लेकिन टाइम ऑफ ट्रीटमेंट को 4 to 5 मिनट्स तक बढ़ा दें. अगर सिम्टम एग्रीवेट हो गया तब आप डोसेज को घटा सकते हैं, इंटेंसिटी को भी घटा सकते हैं, या फिर आप टाइम को भी घटा सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट को आप कुछ दिनों के लिए रोक दें टिल द सिम्टम सबसाइड. कम अक्यूट कंडीशन हो तो आप 1:1 का रेशियो यूज़ कर सकते हैं. मैं मार्क्स फेस रेशियो की बात कर रही हूँ. इस बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है. और अगर बहुत ही अक्यूट कंडीशन है, अभी अभी हुआ है इंजरी, तो आप 1:7 का मार्क्स फेस रेशियो यूज़ कर सकते हैं. ये हो गई बात अक्यूट कंडीशंस की. अगर क्रॉनिक कंडीशन हो तो आप पल्स मोड भी यूज़ कर सकते हैं या कंटिन्यूस बीम का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अगर कंटिन्यूस मोड आपने यूज़ किया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप उतना ही रखें जब पेशेंट को एक परसेप्टेबल वार्म्थ फील हो रहा हो. मतलब अराउंड 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर नहीं जाना चाहिए. लेकिन इनिशियली आप लो डोसेज से ही शुरू करें. क्रॉनिक केस है तो 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप 4 मिनट तक लगभग दे सकते हैं. अगर आपको दिख रहा है कि इफ़ेक्ट्स बेनिफिशियल है तब इसी डोज को आप रिपीट कीजिए. अगर इम्प्रूवमेंट ना हो फिर डोज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं. आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं. मैक्सिमम परमिटेड डोज होता है 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 8 मिनट्स. सो इस बात का ध्यान रखिए. अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है इवन आफ्टर 6 ट्रीटमेंट्स, फिर आपको समझ आना चाहिए कि शायद अल्ट्रासाउंड थेरेपी इस कंडीशन में काम नहीं आने वाला है. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए डोसेज को कैलकुलेट करते हुए. और बाकी सारा थियोरी और प्रैक्टिकल तो मैंने आपको समझा ही दिया है. उस तरीके से आप इस मोडालिटी को अपने पेशेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से फिजियोथेरेपी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी में समझाए हुए फिजियोथेरेपी रिलेटेड इन टॉपिक्स को आप चेक कीजिए मेरे चैनल में. और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स को शेयर भी ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. सी यू सून विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो.